जय हिंद। आई होप योर जोश इज ऑलवेज हाई। ज्यादा समय नहीं लूंगा, सिर्फ एक दो मिनट का वीडियो है, ध्यान से सुनिएगा बात को। आज का वीडियो देश के कुछ खास पत्रकारों के लिए, मीडिया हाउसेस के लिए, साथ ही साथ उन डिफेंस एक्सपर्ट्स के लिए जो न्यूज स्टूडियोज में आके ना जाने क्या क्या बोलते हैं। उनको खुद नहीं पता कि वो क्या बोल रहे हैं। कल परसों मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था किस तरीके से एक पॉपुलर न्यूज चैनल की पत्रकार ये कहती है कि चाइना आर्मी आके हिंदुस्तान में इंडियन आर्मी को मार के जाती है। इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है, ये आर्मी की लापरवाही है। मैडम, आप जैसे लोग ना बैठ के न्यूज स्टूडियो में न्यूज तभी बकबक करके बोल देते हो क्योंकि फ्रंट पे वो गोली खा रहे होते हैं, फ्रंट पे वो लोग दुश्मन को झेल रहे होते हैं। तुम्हें तो कहना बहुत आसान है। विंग कमांडर अभिनंदन के केस में आपने देखा होगा, F-16 को उड़ाने के बाद पाकिस्तानी टेरिटरी में जब हमारा पायलट चला गया, वहाँ पे उसे पूछताछ कर रहे हैं कौन है भाई, कहाँ पे, वो तो अपनी इन्फॉर्मेशन दे नहीं रहे हैं, लेकिन हमारे देश का मीडिया खुद उनके घर पहुँच जाता है। तो मेरे देश में एक ऐसा कानून बनना चाहिए कि डिफेंस फोर्स से जुड़े हुए लोग, पैरामिलिट्री से जुड़े हुए लोग, इनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को, इन लोगों को डिस्क्लोज करने का कोई अधिकार नहीं है। किसी भी मीडिया वाले को अधिकार नहीं मिलना चाहिए कि कैमरा माइक उठा के किसी भी आर्मी ऑफिसर के जवान के घर पहुंच जाए और उसकी पूरी पर्सनल डिटेल्स को पब्लिक कर दे। इन मीडिया वालों की खासियत मैंने बहुत अच्छे से देखी है, बड़े देशभक्ति की बातें करते हैं, लेकिन जब एक्चुअल में देशभक्ति की बात आती है दिखाने की, तो लोग पीछे हट जाते हैं। बहुत बड़ा एग्जाम्पल है अभी हाल ही में जो आवाज मैंने उठाई थी देश भर में, वेब सीरीज मेकर के खिलाफ कोई भी मीडिया सामने नहीं आया। आप सभी इस बात को बहुत अच्छे से जान सकते हैं और देख सकते हैं। चलिए तो मुद्दे की बात करते हैं, मीडिया हाउसेस न्यूज रूम में बैठ के क्या क्या बातें कर रहे हैं आजकल। उसमें से डिफेंस एक्सपर्ट्स को बुला लेते हैं जो कि खुद एक सर्विसमैन है, और जितने भी हमारे एक सर्विसमैन है, ऑफिसर्स हैं, आप सबकी हर कोई बहुत रिस्पेक्ट करता है। आप भी प्लीज सोच समझ के स्टेटमेंट्स दें। आपको कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में सिखाया जाता है जब आप ट्रेनिंग में होते हैं, लेकिन जब आप रिटायर हो जाते हैं या वॉलंटरली रिटायरमेंट ले लेते हैं, तो आप ऐसे बड़े बड़े न्यूज चैनल्स के स्टूडियोज में आके देश की सिक्योरिटी और पर्सनल इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर देते हैं। जो बातें आपको सेना अध्यक्षों के साथ बैठ के, CDS के साथ बैठ के, प्रेसिडेंट हाउस में बैठ के, प्रधानमंत्री के साथ बैठ के करनी चाहिए, वो सीक्रेट बातें आप पब्लिक कर देते हैं। आप न्यूज चैनल्स में बैठ के स्ट्रैटेजी बताते हैं कि चाइना अगर वहां से आया तो हम यहां से घूम के जाएंगे, उसके पास वॉल आती आ रहा तो हम इस वाले को करेंगे, ये इसका तोड़ है, उसका टैंक कितना है तो हम यहां पे इस आर्टिलरी को बिठाएंगे, हमारे ये पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स पे हम इसको यहां बिठाएंगे तो वो करेंगे। तुम दुश्मनों को हमारी कुछ प्लानिंग से पहले ये बता रहे हो कि अगर तुम ऐसा करोगे तो हम ऐसा करेंगे, ताकि हमसे पहले वो अलर्ट हो जाएं और हमारी प्लानिंग को तोड़ दें। तो मैं देश की सरकार से पूछना चाहता हूं कि आपने आज तक क्या गवर्निंग बॉडी बनाई है मीडिया हाउसेस के ऊपर, ऐसे लोगों के ऊपर जो मीडिया हाउस में जाके ओपनली बातें करते हैं और देश की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को तार तार कर देते हैं। जिसको अपने देश की आर्मी पे, पैरामिलिट्रीज पे विश्वास नहीं है, वो जो मर्जी बोलते रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हिंदुस्तान के हर एक आम नागरिक को जिसको अपनी आर्म फोर्सेज में, पैरामिलिट्रीज में, अपनी सरकार में विश्वास है, अपने देश में विश्वास है, उनको तुम जैसे लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तुम किस बात का है कि आप दुश्मन को पहले से पहले एडवांस में एक स्टेप आगे बातें बनाते हो अपने न्यूज चैनल के माध्यम से, जिसके ऊपर रोक लगनी चाहिए, पाबंदी लगनी चाहिए। वो देसी कहावत है ना, भाई भाई आपस में लड़के सर भी फोड़ दें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब बाहर का उंगली उठाए तो दोनों भाइयों को, सभी भाइयों को एक हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे उल्टा हिसाब किताब है। खुद देश में राजनीति इतनी गंदी है कि एक राजनीतिक पार्टी दूसरी से, दूसरी तीसरी से एक दूसरे पे उंगलियां उठाती है। यहाँ तक ऐसी स्थिति जब कोरोना की तकलीफ से पूरा देश या पूरा विश्व गुजर रहा है, देश के ऊपर आर्थिक संकट के साथ साथ दुश्मन की तरफ से इतनी बड़ी बातें हो रही हैं, वहीं पे हमारी राजनीतिक पार्टीज आपस में एक दूसरे की टांग खींच रही हैं। शर्म आनी चाहिए तुम जैसे लोगों की राजनीति के ऊपर। तो जब तक देश की पॉलिटिक्स नहीं सुधरेगी, ये चीजें भी ऐसे ही चलती रहेंगी। मैं अभी काफी चीजें देख रहा था, लोग बड़े एक्सपर्ट बन रहे, अपनी एनालिसिस बता रहे हैं। चाइना आर्मी के पास इतना एयरफोर्स का वो है, इतना उनका बजट है, उनके पास इतनी आर्टिलरीज है, इतनी इन्फेंट्री है, इंडिया की इतनी है। लेकिन मैं आपको एक बात बोल दूं भाई, ये लोग जो भी डिस्कशन कर रहे हैं, इंडिया के पास भले ही वेपन्स थोड़े से कम होंगे, लेकिन जगरा चाइना से लाख गुना बड़ा है। जिसका छोटा सा एग्जांपल आपको एक वीडियो में दिखा रहा हूँ, इस वीडियो के लास्ट में मैं एक टॉप कमेंट और डिस्क्रिप्शन में एक लिंक छोड़ के जा रहा हूँ, उस वीडियो को देखिएगा। उसमें आपको दिखेगा किस तरीके से चाइना की फोर्स हमारे इंडियन आर्मी के कैप्टन को कुछ दिनों पहले घेर लेती है, उसको दबाने की कोशिश करती है। लेकिन हमारा प्रोफेशनलिज्म देखिए, हमारा डिसिप्लिन देखिए, किस डिसिप्लिन के साथ हमारी इंडियन आर्म फोर्सेज का एक कैप्टन इन चाइनीज सैनिकों से पोलाइटली बात कर रहा है। इतने में जब वो हाथापाई पे उतर आते हैं तो हमारी भी कंपनी के जवान टूट पड़ते हैं, उनको खदेड़ देते हैं, उनको उनके औकात बता देते हैं। तो ये दिखाता है कि चाइनीज आर्मी बिल्कुल बुज़दिल है, कायर है। हमारे जवान जब आराम से बातचीत कर रहे थे, इन्होंने ग्रुप बना के उनके ऊपर हमला किया, बताया गया कि 20 हमारे जवान वीरगति को प्राप्त हुए हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि बहुत सारे लोगों को
हमारी आर्म फोर्सेज ने मौत ही घाट उतारा है और शर्म के मारे चाइना इसको डिस्क्लोज नहीं कर रहा है। जो मैं पर्सनली जानता हूँ 18 से 20 लोगों की वन ऑन वन फाइट में खुद हमारे सोल्जर्स ने गर्दनें तोड़ दी, गर्दन की लटक गई थी शरीर से। और ये लोग जो सबूत मांग रहे हैं बेहुदा बात कर रहे हैं, काम करो देश छोड़ के कहीं और जाके बस जाओ अगर तुम्हें देश की आर्म फोर्सेज पे देश की सेना पे इतना विश्वास नहीं है तो। अरे कम से कम देश की सेना का मनोबल बढ़ाओ यार, कुछ नहीं कर सकते तो। तो दोस्तों हमेशा अपना जोश हाई रखें, अपनी आर्म फोर्सेज में विश्वास रखें, सेना का मनोबल बनाए रखें। और अगर खून की जरूरत पड़ी तो मैं खुद भारत सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे माध्यम से आपको एक यूनिट छोड़ो, 100 यूनिट छोड़ो, 1,00,000 यूनिट छोड़ो, लाखों यूनिट खून की जरूरत पड़ेगी तो रॉयल सोल्जर फैमिली ऑन यूट्यूब हमेशा देश के जवानों के साथ तत्पर खड़ी रहेगी। बस एक बार आवाज कर देना, हमेशा रॉयल सोल्जर फैमिली की सब्सक्राइबर्स देश के जवानों के साथ तत्पर खड़े हैं सीना चौड़ा करके, जिस पे मुझे गर्व है, जिस पे मुझे प्राउड है। थैंक यू सो मच गाइस, कमेंट में अपनी राय जरूर दें इस विषय में आपके कहना चाहते हैं। जय हिंद, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप द जोश ऑलवेज हाई।